राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम बरसात का मौसम। आलेख मधु बी जोशी का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। आज हम सुनाते हैं कहानी गर्मी और बरसात की। बहुत दिन पहले की बात है, सूरज और धरती दो अच्छे पड़ोसी थे। सूरज उगता तो धरती पर सुबह होती, सब जीव जानवर जाग जाते, पंछी गीत गाकर सूरज को धन्यवाद देते, सूरज खुश होकर और चमकता, धरती पर फूल खिल जाते, पेड़ पौधे फलों से लद जाते। बस इसी तरह चैन से दिन गुजर रहे थे। सूरज और धरती के पास ही कहीं रहती थी हवा। मई में एक दिन इस शैतान हवा ने क्या किया जानते हो? पहुंच गई सूरज के घर और बोली, अरे सूरज दादा, तुम भी कितने भोले हो। तुम तो इधर चमक चमक कर प्रकाश करते हो और जानते हो उधर धरती क्या कहती है? पता क्या है इस सूरज को, चम 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 चमक चमक न तंग आ गई हूँ मैं तो, बस देख देख के इसका चमकना आता क्या है। आता क्या है इस सूरज को, चम 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 चमक चमक न तंग आ गई हूँ मैं तो, बस देख देख के इसका चमकना आता क्या है। हवा की बात सुनकर सूरज को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। वो खूब चमका और चमकता ही चला गया। सूरज के इतना चमकने से धरती पर खूब गर्मी हो गई। पेड़ पौधे मुरझा गए, कुएं तालाब और नदियों का पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया। गर्मी इतनी बड़ी कि धरती पर चटक कर दरारें पड़ गईं। गरम दहकती लू दिन भर हू हू करती दौड़ती, लेकिन सूरज का चमकना कम नहीं हुआ। लाल हुआ गुस्से से सूरज, सूखे ताल तलैया सारे, प्यासी धरती तपती धरती, अब गर्मी से कान बारे। इसी तरह मई बीत गई और जून भी बीता जा रहा था। समस्या सुलझाई मोरों के सरदार ने। वो खड़ा हुआ और बोला, दोस्तों अगर आप सब कहें तो हम अपने दोस्त काले बादलों की मदद ले सकते हैं। हमारे बुलाने से वे जरूर आ जाएंगे। मोरों ने मेहों मेहों पुकार पुकार कर अपने दोस्त बादलों को बुलाना शुरू कर दिया। मोरों की पुकार सुनकर आसमान के कोने पर पहले एक काला बादल आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आसमान गड़गड़ाते हुए काले बादलों से पूरी तरह ढक गया। धरती पर गर्मी कुछ कम हो गई, बादल गड़गड़ाने लगे।
प्यासे मोरों की पुकार सुन, घिर घिर आए बादल काले, गड़ 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 शोर मचाते, जैसे हो हाथी मतवाले, जैसे हो हाथी मतवाले, जैसे हो हाथी मतवाले। जब काले काले बादल छा जाएं तो बारिश कहीं पीछे रह सकती है क्या? बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर वर्षा भी आ पहुंची। उसके साथ कड़कती हुई उसकी सहेली बिजली भी थी। बस जी, खूब बारिश हुई। गड़ 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 बादल गड़गड़ाए और बिजली आकाश भर में लपक लपक कर खूब कड़की। फिर आ पहुंची वर्षा रानी, रिम छिम रिम झिम जल बरसाती, बिजली की तलवार चलाती, कड़क कड़क बिजली कड़काती, कड़क कड़क बिजली कड़काती, कड़क कड़क बिजली। खूब बादल गड़गड़ाए, बिजली कड़की और वर्षा बरसी तो तपती हुई धरती पर ठंडक छा गई। ताल तलैया नदी नाले फिर पानी से लबालब भर गए। चारों तरफ जीव जंतु खुशियां मनाने लगे। अब आया हरियाला सावन, हाँ आया हरियाला सावन, मेंढक का मौसम मन भावन, अब आया हरियाला सावन, मेंढक का मौसम मन भावन, आया हरियाला सावन, खूब फुदकते गाते मेंढक, खूब फुदकते गाते मेंढक, टल 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 आते मेंढक, टल 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 आते मेंढक। अब आया हरियाला सावन, आया हरियाला सावन, मेंढक का मौसम मन भावन, अब आया हरियाला सावन। खूब पानी बरसने से धरती हरी भरी हो गई। गड़ 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 बादल, कड़क कड़क कर बिजली कड़की, खत्म हुआ गर्मी का मौसम, रिम छिम रिम छिम बरखा बरसी। बरसात का मौसम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया।